last session we have discussed about present perfect tense ka jo affirmative sentence tha uske mutalliq humne padha. In this session we will discuss about present perfect negative sentence. और मैं समझता हूँ कि अगर आपने शुरू से तमाम सेशंस आप देखते आ रहे हैं, तमाम वीडियोस अगर आपने देखे हैं, तो अब यहाँ से आपको बहुत आसान होता चलेगा कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस जो रहेगा, हमको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट यूज करते हैं एंड नॉट इज यूज विद द हेल्पिंग वर्ब. तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता हैव और हैज, है ना, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो फॉर्मेट जो इस तरीके से रहेगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव हैज आएगा, देन उसमें नॉट लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म. आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया कि हैव और हैज के बाद आने वाला वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल में यूज होता है. तो इस तरीके से यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा, अगर सब्जेक्ट आई यू वी या दे है तब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म. अगर सब्जेक्ट ही शी इट है तब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, है ना. अब सिर्फ आप फर्क ये रहेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं है, यहाँ पर हम नॉट यूज करेंगे. तो अगर सब्जेक्ट आई है तो सेंटेंस से बनेगा आई हैव नॉट गॉन, आई हैव गॉन मैं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन मैं नहीं जा चुका हूँ, यू हैड नॉट गॉन तुम नहीं जा चुके हो, दे हैव नॉट गॉन वो नहीं जा चुके हैं, इस तरीके से. अब अगर सब्जेक्ट ही शी या इट है तो सेंटेंस से बनेगा ही हैज नॉट गॉन वो नहीं जा चुका है, शी हैज नॉट गॉन वो नहीं जा चुकी है, इट हैज नॉट गॉन ये नहीं जा चुका है. अब यहां पर आपको करना ही है कि पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए और उसको निगेटिव में चेंज कीजिए. पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि आप 10 कोई इजी से 10 वर्ब्स लीजिए और उसको जो है 10 सेंटेंसेस को आप चेंज करते चलिए अफर्मेटिव निगेटिव. अभी हमने निगेटिव बनाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अदर अगर हम सेंटेंसेस ले तो आई हैव कम्प्लीटेड माई असाइनमेंट, है ना, ऐसा छोटा सेंटेंस बनाइए आई हैव कम्प्लीटेड माई असाइनमेंट, मैं अपना असाइनमेंट मुकम्मल कर चुका हूँ, ये हो गया अफर्मेटिव. अब इसी को आप निगेटिव में चेंज कीजिए आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई असाइनमेंट, मैं अपना असाइनमेंट कम्प्लीट नहीं कर चुका हूँ, कम्प्लीट नहीं किया हूँ, इस तरीके से. अब आई के बजाय अगर वर्ब जो सब्जेक्ट है वो लेते हैं ही, तो ही हैज नॉट कम्प्लीटेड हिज असाइनमेंट, उसने उसका असाइनमेंट कम्प्लीट नहीं किया, वो कम्प्लीट नहीं कर चुका है. ही हैज नॉट कम्प्लीटेड हिज असाइनमेंट, उसने अपना असाइनमेंट कम्प्लीट नहीं किया या नहीं कम्प्लीट कर चुका है, इस तरीके से. तो आप अलग अलग वर्ब लीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, कम से कम 10 वर्ब लेकर आप उन्हीं को जो है चेंज करते रहिए, है ना. यहाँ पर आप वही चीज ध्यान में रखिए कि हैव और हैज के बाद आने वाला वर्ब हम थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं. तो इस तरीके से हम निगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे. नाउ राइट डाउन दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उस पर जो है अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए. पहले आप चाहे तो इन तमाम प्रोनाउन का यूज कीजिए, उसके बजाय फिर आप बाद में नाउन का यूज भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते चलिए. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विद अनदर टॉपिक. Thanks for watching this video. Goodbye.